नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिक पहलवानों के यौन शोषण केस की मंगलवार को एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल 1500 पन्नों की चार्जशीट पर भी सुनवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में ब्रजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं, वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए हैं। योगेश्वर दत्त अपने सोशल मीडिया पर लाइव आए। इसमें उन्होंने कहा कि जो भी 3 दिन से सोशल मीडिया पर बातें हुई है, उससे कुश्ती को बहुत नुकसान पहुंचा है। हमारे सीनियर कोच, सीनियर खिलाड़ी नवीन जयसिंह, सुंदर पहलवान सबने पिछले दिनों की बातों को गलत ठहराया है। इससे कुश्ती बहुत डाउन जा रही है, बदनामी हो रही है। मेरे कोच रामफल, रणबीर ढाका, अनूप, रणबीर कुंडू कोच ने मुझे कॉल कर इस तरह का ना करने के लिए रिक्वेस्ट की है। मैंने उन्हें कहा कि आप सभी मुझे रिक्वेस्ट ना करें, मुझे आदेश दें। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी।